सो दोपहर के 2:15 बज चुके हैं और लग नहीं रहा है कि दोपहर हो चुका है, क्योंकि पिछले 4 दिन से काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और फिलहाल के लिए बारिश हल्की हो रही है। सो एनीवेज वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड द न्यू व्लॉग। सो ये व्लॉग का स्टार्ट जो है कुछ अलग तरीके से करने का सोचा था, लेकिन उस चीज़ को मैंने फ़िलहाल के लिए टेम्पररीली डाउन मतलब साइड में रख दिया, क्योंकि उस चीज़ को अच्छे से स्क्रिप्ट वगैरह लिख के अच्छे से करूँगा, नहीं तो सामने वाले को धक्का नहीं लगना चाहिए इसके लिए। अब वो क्या है वो आपको आने वाले व्लॉग्स में मालूम पड़ जाएगा अगर मैं बनाता हूँ तो। सो मुझे पता नहीं कि मैंने आप लोगों को कभी ये बताया है कि नहीं, हमारे घर के पास में मतलब पीछे के साइड बगल में काइंड ऑफ छोटा सा बोल सकते हो कि वाटरफॉल है, मतलब पहाड़ से पानी बह के आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा साफ़ पानी है। सो मैं पिछले कुछ दिनों से ये सोच रहा था कि जाके वहीं पे हेयर वॉश कर लूँ, लेकिन कभी कुछ काम आ जाता था, कभी आलस, कभी सुस्ती वगैरह, मतलब समझ रहे हो ना, जिसकी वजह से ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली आज डिसाइड किया हो कि जाके लाइट चलेगी, जाके अपना हेयर वॉश कर लूँ। प्लान ये है कि रील्स वगैरह भी बनाने का सोचा हूँ, देखते बन पाता है कि नहीं मुझसे, क्योंकि ये मेरा बेसिकली फर्स्ट ट्राई रहेगा रील्स के लिए, क्योंकि अब तक जितने भी रील्स बनाए इंस्टाग्राम के लिए वो सारे फोटोज़ और नेचर रिलेटेड फ़ोटोज़ के थ्रू ही मैंने रील्स बनाया, तो इस बार फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा अपने आप को सामने मतलब इन शॉर्ट समझ लो। निकल चुके और पता नहीं आवाज़ आ रहा कैप्चर कर रहा है कि नहीं माइक, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली एक टाइप का नाला बोल सकते हो, गटर बोल सकते हो, मतलब रास्ता बनाया हुआ है ताकि जो ऊपर से पानी है वो बिल्डिंग के अंदर ना मतलब नीचे से साइड साइड से चला जाए। एक मिनट दिखाता हूँ पॉसिबल हुआ तो। सो ये वाला जो है ये सीधा नीचे और ये काफ़ी गहरा है, यहाँ से दिखता नहीं लेकिन ये काफ़ी गहरा है, एक्चुअली लगभग 10-12 फीट मतलब गहरा है नीचे तक है, इतना गहरा बना है। और आसपास का व्यू काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब काफ़ी ज़्यादा, और ऊपर से हल्की हल्की बारिश हो रही है जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब वहाँ ऊपर इनमें से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, पहाड़ बादलों से ढके हुए है। रील्स का भी सोचा था, देखते कैसा बन पाता है या नहीं बन पाता है। और हल्की फुल्की बारिश हो रही है तो जिसके वजह से मैं ज़्यादा देर मोबाइल को भी बाहर रख नहीं सकता, क्योंकि मोबाइल वाटरप्रूफ नहीं है। ऑल दो थोड़े बहुत पानी के छींटे बोल शाओमी क्लेम करता है कि सह सकते हैं, लेकिन फिर भी रिक्स नहीं लेना चाहूँगा। और हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर जो है वो पहुँच चुके हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी, मतलब काफ़ी ज़्यादा, लेकिन सह लेंगे, थोड़ा बाल धोने ना। सो टाइम लैप्स कैसा था ये कमेंट करके ज़रूर से बताना, मैंने देखा नहीं टाइम लैप्स कैसा है। शैम्पू लगा लिया और बारिश भी चालू हो गई, तो मोबाइल अभी वापस से अंदर डालता हूँ, शैम्पू को धो लेता हूँ और फिर मिलता हूँ। और हाँ, अब तक आपने जो भी देखा वो काफी दिन पहले शूट किया था और टाइटल से आप लोगों को मालूम पड़ ही गया होगा कि मैं व्लॉग करना भूल चुका था, मतलब लास्ट पार्ट जो आपने देखा उसके आगे
काफी चीजें किए थे, जैसे कि फोटोशूट किए थे उस दिन, रील्स बनाए, रील्स के लिए शूट किया था जो कि अब तक एडिटिंग के लिए लिया नहीं, ना ही फुटेज चेक किया कि कैसा है। अब मैं ब्लॉग करना भूल गया था, ऑल दो प्लान करके रखा था कि कैसे क्या क्या करना है, और ऑलमोस्ट 60% मैं जो हूँ इम्प्लीमेंट किया और 40% रह गया। सो एनीवेज अगर आपको ये ब्लॉग किसी भी कारण से पसंद आया होगा तो लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। सो मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, पीस। और हाँ, पिछले कुछ ब्लॉग से मैं कमेंट कर रहा था, कमेंट कर देना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में काफी सारे लिंक्स दे रहेंगे जिसमें से एफिलिएट लिंक्स भी है और इंस्टाग्राम आईडी भी है, तो जाके फॉलो कर सकते हो। रात के 1:30 बजे ये शूट करूँगा तो ऐसे ही होगा ना। भी साथ में फेंक के आती है, और फिलहाल